हेलो प्रियंका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका, आप दिल्ली से हैं? गुड इवनिंग सर। नोएडा से। अच्छा, नोएडा से हैं। यस गुड सर। मॉर्निंग। गुड इवनिंग शशांक। शशांक, आप बेंगलोर से हैं? जी सर। बेंगलोर में ही हैं? कब आना है एग्जाम देने डायरेक्ट? सर नहीं, एक वीक पहले आ जाऊंगा। अच्छा, ओके। लास्ट डे आई डिस्कस, आई थिंक राज्यसभा, लोकसभा, ओके। एंड टुडे वी विल डिस्कस सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हाउसेस, लाइक व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड हाउ व्हाट वाज द मेन फॉर्मेशन बाय विच आवर पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो वे सारे चीजों को हम देखेंगे कि हमारा देश की जो संविधान है, पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को आखिर भारत में गठन कैसे हुआ, इसके पीछे जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आज सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट, यानी प्रायर टू स्टडी मोर डिटेल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जस्ट वी हैव टू डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ व्यू कंसर्निंग टू हाउ टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन इंडिया, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, व्हाट वाज द बैकग्राउंड एंड व्हाट वाज द हिस्ट्री। देन वी कैन क्लैरिफाई ईच एंड एवरी शेड्यूल्स एंड व्हाट वी कैन से अफेयर्स, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेजेबल पार्ट्स। तो सबसे पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं, इसमें हमारे टॉपिक शुरू होता है, वो हम पॉलिटी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय पॉलिटी। पॉलिटी फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय पॉलिटी। आखिर पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी मीन टू से इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन से पॉलिटी मीन टू से फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी वेयर वी कैन स्टडी व्हाट इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग, यानी हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को कैसे हम फॉर्म्स करते हैं, उसे हम क्या करेंगे, पॉलिटी कहेंगे। इन दैट सिनेरियो वी कैन से फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स कैन बी फॉर्म ऑन द बेस ऑफ थ्री ऑर्गन्स। यानी सबसे पहले हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मिंग होती है वह तीन ऑर्गन्स के द्वारा होता है। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अब प्रश्न बनता है, तीन हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं, थ्री ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास थ्री ऑर्गन्स होते हैं। नंबर वन जो होता है वो हमारा लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो होता है वो हमारा होती है जुडिशियरी। यानी देर आर थ्री स्टेजेस या देर आर थ्री ऑर्गन्स बाई विच वी कैन फॉर्म आवर गवर्नमेंट। वट इज द एक्टिविटी या वट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का आखिर काम क्या होता है? तो लेजिस्लेचर मीन टू से टू मेक लॉ, इसका काम है कानून को बनाना, टू मेक लॉज यानी कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव मीन्स टू इम्प्लीमेंट, टू इम्प्लीमेंट यानी जो भी हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाई गई है उसको लेजिस्लेचर जो करता है इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशियरी क्या करती है? तो जुडिशियरी करती है टू इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट मीन टू से समटाइम्स अदर वेन एवर देर इज अ डिस्प्यूट इन कंट्रोवर्सी इट कैन जस्टिफाई इंक्वायर इन टू द मैटर्स। तो ये मुख्य रूप से इसको आइडेंटिफाई करेगी, जज करेगी, जांच करेगी। अब बात हम करते हैं कि जो हमारे यहाँ मेक द लॉज यानी जो कानून हमारा बनाता है, तो लेजिस्लेटिव का एक्टिविटी से के कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव का काम है उसका बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। अब प्रश्न बनता है हु मेक्स द लॉज इन इंडिया। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ कानून बनाने की जो बेसिक नीड्स होती है या इसमें जो फॉर्मिंग होती है, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज गिवेन इन इंडिया टू द पार्लियामेंट। यानी भारत में जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने की जो विचार है या कानून बनाने का जो ऑथोरिटीज है, ये ऑथोरिटी मुख्य रूप से भारत को पार्लियामेंट को दिया गया है। और हम सभी को जैसा कि पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, यह पार्लियामेंट का जो टोटल बॉडीज होते हैं या जो इसकी गठन होती है वह हमारा लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, और उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट होते हैं। यानी तीनों की जो कंसिस्टेंस यानी कंपोजिशन होती है, इस कंपोजिशन के आधार पर भारत में मुख्य रूप से पार्लियामेंट का गठन होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है, दिस इज कॉल्ड लोकसभा एंड दिस इज कॉल्ड राज्यसभा, ओके।
there are two houses. There are two houses in Indian parliamentary. और इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं bicameral. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? Bicameral legislature इसे हम बोलते हैं. ठीक है, अब बात होती है why we can consider its bicameral. तो बाई का मतलब लास्ट डे हमने बोला था, बाई का मतलब होता है हमारा डबल या डुअल कर सकते हैं, और कैमरल का मतलब होता है हाउसेज, यानी हमारी जो पार्लियामेंट होती है या दो हाउसेज से बनकर से मिलकर के बना है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है. उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसके बाद हमारा एक होता है प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के फॉर्म में यदि हम आते हैं तो जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशंस होती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो भी लॉ लेजिस्लेटिव के द्वारा फ्रेम किए गए और फ्रेम करने की जो अथॉरिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारा पार्लियामेंट को दी गई, और जो हम इम्प्लीमेंट की बात होती है तो किसी भी लॉ जो होती है वो भारत के प्रधान सॉरी राष्ट्रपति के नाम होती है, बाई द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इट कैन बी फ्रेम. ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात होगा वो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, यानी राष्ट्रपति करेंगे. ठीक है, और राष्ट्रपति कैसे करेंगे? तो ऑन द कोलेबोरेशन या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इनको एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं हेल्प यानी असिस्टेंस के रूप में जो मिलती है वह मिलता है इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर यह बनाती है, और काउंसिल ऑफ जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इसको जो हेडेड होते हैं या हेडेड बाई कह सकते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं. जैसा कि हम दूसरे शब्द में कहें तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट होती है, प्रेसिडेंट मात्र नाम मात्र का आप कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मुख्य जो कर्ता धर्ता होते हैं हु इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री होते हैं. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति कह सकते हैं जितने भी हमारे पास टोटल लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं दोज आर लायबल एंड रेस्पॉन्सिबल, तो वह मुख्य रूप से इनके पीछे रेस्पॉन्सिबल होते हैं. किनके प्रति? हाउस ऑफ मिनिस्ट्री के प्रति या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के प्रति. अब इसमें क्या होती है जुडिशियरी, तो जुडिशियरी जो करती है पूरे के पूरे मामले को करती है इंटरप्रेट करती है, और इसको इंटरप्रेट करने के कारण कहा जाता है यह कंप्लीटली हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, यह एक हमारा स्वतंत्र बॉडी है. और सेकेंड फॉर्म में कह सकते स्वतंत्र बॉडी की मीन टू से जो हमारे देश की संविधान है, देश की जो हमारा कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के संविधान में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. ठीक है, DPSP की हम बात करें, यानी जितने भी प्रकार के वर्चूज हैं, लोगों को जो कह सकते बेस्टो किए गए हैं, वे सारे चीज़ों को मुख्य रूप से ये क्या कह सकती है प्रोटेक्शन देती है, टू गिव प्रोटेक्शन. इसीलिए इसको कहा जाता है जुडिशियरी, जो हमारे यहाँ खासतौर पे आप कह सकते हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये दोनों जो होते हैं देश की जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. दैट्स व्हाई वी कैन से जुडिशियरी इज कॉल्ड कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसके कारण ही इसको भारत के संविधान का एक सुरक्षा गृह कह सकते हैं, कस्टडियन कह सकते हैं, इसको नाम दिया गया है. इज इट ओके? अब हम बात करेंगे इसके अलावे क्या होगी. तो ये सारे तो हमने गवर्नमेंट की फॉर्मेशंस देखी. अब इस आधार पर यदि हम फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो अब गवर्नमेंट की जो हमारी फॉर्मिंग होगी वो फॉर्मिंग कैसे होगी, यानी अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की जो हमने कहा कि यहाँ पर नियुक्ति या सरकार की जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वह कैसे होती है. तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट हमारे पास होता है यह दो तरीका से होता है, यानी देर आर टू वेज बाय विच वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी दो तरीका से हम गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे. सबसे पहला एक हमारे जो गवर्नमेंट का फॉर्म जो होती है वह फेडरल गवर्नमेंट होती है. ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट होता है. ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, एंड देयर इज एन इशू बाय विच वी कैन फाइंड आउट. तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है भैया? तो फेडरल गवर्नमेंट के रूप में आप यदि देखेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट हैज सम पावर्स, इनके पास कुछ ऑटोनोमस होते हैं, कुछ अथॉरिटीज होते हैं, और जो इनके पास पावर्स होते हैं इस पावर्स को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज करते हैं. ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ थ्री लेवल्स, यानी इसके पास तीन लेवल्स होते हैं, और जो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर होती है वो तीन भागों में बढ़ती है, एक सेंटर हो जाता है, एक हमारा स्टेट्स हो जाते हैं. ठीक है, और थर्ड जो होते हैं वो हमारे विलेजेस हो जाते हैं, यानी थ्री लेवल्स पे जो होते हैं हमारे पास पावर की कंट्रीब्यूशन होती है. इसीलिए हम कह सकते हैं दीज आर द थ्री लेवल्स बाय विच टोटल पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड, सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
distribution of powers. Okay, and what we find out here is three stages. Okay, one is center, state and villages. That's why we can say इसको हम दूसरे form में कर सकते हैं three tiers of government. यानी यहाँ पर भी हमारा government का three tiers बन के तैयार हो जाती है. ठीक है, एक हमारा होता है unitary. Unitary का मतलब क्या होता है? Single. Unitary यानी unit मतलब होता है हमारा single. ठीक है, और यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है यानी जो सिंगल गवर्नमेंट होती है मुख्य रूप से, तो यह भारत में कब होगा? तो एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी. ठीक है, यानी जब हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी हम लिखते हैं. ठीक है, केवल इमरजेंसी नहीं लिखेंगे, नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, तो जब हमारे भारत में नेशनल इमरजेंसी होती है, और नेशनल इमरजेंसी के लिए हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन हमारा आर्टिकल है, 352 देखते हैं, 356 देखते हैं और 360 देखते हैं. तो इसमें क्या होती है मुख्य रूप से, यदि हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास एक्सटर्नल होता है, कुछ हमारे पास इंटरनल होता है, और कुछ हमारे पास जो होती है वो हमारा फाइनेंशियली होती है. यानी देर आर थ्री इशूज, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड फाइनेंशियली. देन आवर गवर्नमेंट या आवर पार्लियामेंट, आवर प्रेसिडेंट कैन इमुलेट द आइडिया and the provisions by which we can say three articles and 352, 356 and 360 can be affected in our country. ठीक है, और वैसे परिस्थिति में क्या होती है कि जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग जाता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हो जाती है, तो पूरे की पूरी जो अथॉरिटीज होते हैं राज्यों का, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो पावर्स होते हैं उनकी जो अथॉरिटीज होती है, दोज आर कंप्लीटली वी कैन से बेस्टूड या वी कैन से ब्रॉड ओके टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सारे के सारे फिर चले जाते हैं सेंट्रल, हमारे जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र जो सरकार होती है उसके पास चले जाती है. यानी कह सकते हैं इन द जनरल सेंस. ठीक है, इन जनरल मीन्स टू से इन द नॉर्मल. ठीक है, तो नॉर्मल सेंस में क्या होती है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट चलती है वह फेडरल फॉर्म में चलती है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कर सकते हैं. लेकिन जब हमारा स्पेसिफाइड हो जाती है, स्पेसिफाइड का मतलब जब इमरजेंसी की बात हो जाता है, तो ऐसे सेंस में क्या होती है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे चले जाते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो टोटल के टोटल जो पावर की जो इस्तेमाल होती है यानी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसको हम दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ काशी फेडरल होता है. ठीक है, दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं काशी फेडरल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है. काशी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, और फेडरल का मतलब होता है आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ऑल द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हम कह सकते हैं कि जैसा देख सकते हैं कि ऐसे नॉर्मल सेंस में हमारा क्या होता है कि हमारे पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तीनों के बीच में. लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो पूरा का पूरा सिंगल हाथों में चला जाता है ना. तो ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं कि दो भागों में आधा इधर और आधा इधर, यानी ये खासतौर पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाती है, और इसी का फॉर्म हम कह सकते हैं काशी फेडरल के फॉर्म में हमारे यहाँ मुख्य रूप से काम करती है. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है या नहीं? प्रियंका जी बताइएगा. यस सर. थैंक यू. नोट्स आप लोगों को तैयार होता है, मैं वीडियो भी डाल देता हूँ आप लोगों के लिए. अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस का. ठीक है, अब इसमें एक हमारे जो वर्ड आएगी इसमें पूरा कन्फर्म हम रखेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होंगे. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट से बना है. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू मेक यानी बनाना. क्या बनाना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत की जो हमारी संविधान है, ठीक है, तो इस संविधान में हमारा क्या बना है? बहुत सारे प्रिंसिपल यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू वी कैन से प्रिंसिपल्स. ओके, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें प्रिंसिपल्स हैं. एंड प्रिंसिपल्स वर प्रोविजन एंड प्रिंसिपल्स वर कंप्लीटली इन द इफेक्टिव एक्ट बाय डिफरेंट सेवरल एक्ट्स भी कर सकते हैं. यानी भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, जो बना, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं, और उस विचार को हम कह सकते हैं कि भारत में जो फॉर्म्स किए गए, विचार जो थे उसको जो एडमिनिस्ट्रेट किए गए, वह मुख्य रूप से कुछ एक्ट्स के द्वारा किए गए. इसमें से मुख्य रूप से हम जो देखेंगे इसमें कुछ जो होगा इम्पोर्टेंट हम एक्ट्स देखेंगे, और उस एक्ट्स के आधार पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फॉर्मेशन होती है वो फॉर्म को हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले यदि एक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे पहले आता है. अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया
1919 जब आया, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो प्रोविजन दिया, प्रोविजन का मतलब कह सकते, इन्होंने सबसे पहले आप कह सकते जो अपने फॉर्म दिए, इन्होंने कहा कि इंडिया मस्ट हैव द बाइकैमरल, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो 1919 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, उन्होंने अपने प्रोविजन में कहा कि भारत ऐसे राष्ट्र को मुख्य रूप से बाइकैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए। हम सभी को पता है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, पहले भी हमने डील कर दिया, इसमें हमारा लोकसभा होता है तथा इसमें हमारा राज्यसभा होता है, यानी ये दोनों के कोलाबोरेशन से होती है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा को हम लोग मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, इसको हम अब लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, और जो राज्यसभा होता है इसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस बोलते हैं, सबसे पहली बार, ठीक है, इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। अब प्रश्न बनता है कि जो हमारा लोअर हाउस और अपर हाउस की यदि बात करें, तो अपर हाउस को हम जब ब्रिटिश के टाइम में बात करें, अभी जो हम लोग बोलते हैं वर्तमान में, इसको हम अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के समय में यदि बात करें, तो उस समय इसको मुख्य रूप से बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उस समय इसको बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उस समय इसको बोले जाती थी। लेकिन यदि हम लोअर हाउस की बात करें, निचली सदन की बात करें, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, तो उस समय 1919 जो हमारा प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था, उस समय जो इसकी नाम दी गई थी, उस समय इसका नाम दिया गया था लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली। तो आपसे बार बार एग्जाम में पूछती है, तो ये फॉर्म को आप याद रखिएगा। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन क्या आया, तो हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर का आया, उसमें हमारा लोकसभा और राज्यसभा यानी दो इसमें हमारे हाउसेस हुए, और लोकसभा को उस समय जो बोला जाता था वो लेजिस्लेचर असेंबली बोली जाती थी, और जो हमारा अपर हाउस यानी राज्यसभा था उसमें इसको बोला जाता काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोली जाती है। इसके अलावा जो इन्होंने प्रोविजन जो दिए थे, यह प्रोविजन था पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इन्होंने भी कॉन्सेप्ट को रखा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन होनी चाहिए। और हम सभी को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इनिशिएटेड या वी कैन से फाउंड इन इंडिया इन 1926। भारत में इसकी जो गठन हुई थी वह 1926 में हुआ था, ठीक है, तो मुख्य रूप से इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब हम यदि दूसरे फॉर्मेशन की बात करते हैं, दूसरे एक्ट्स की बात करते हैं, तो दूसरा जो हमारा एक्ट्स बना था वह हमारा बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ठीक है, यानी वो पूरे ओवरऑल यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के, तो मुख्य रूप से हमारे पास दो जो एक्ट्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लेकर के है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इन्होंने सबसे पहला जो प्रोविजन दिया ये कहा ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था, यह फेडरेशन का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देता है, ठीक है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पावर्स थी, या कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेशन था, वह दो भागों में बट गया, एक बटा जो वो हमारा प्रोविंसेस में बट गया, और एक जो था वो हमारा प्रिंसली स्टेट में बट गया, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स में हमारा बट गया। यानी कह सकते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन के आधार पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मुख्य रूप से दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। अब प्रश्न होता है कि जो हमारा प्रोविंसेस स्टेट्स थे, ये प्रोविंसेस स्टेट्स में क्या क्या थे, तो प्रोविंसेस स्टेट जो मुख्य रूप से थी उस समय, इसको हम दूसरे शब्द में यदि बोले, इसको हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के जितने भी उस समय स्टेट्स थे, वे सारे हमारे जो थे ये प्रोविंसेस स्टेट्स के अंतर्गत आ जाते थे। लेकिन यदि हम प्रिंसली की बात करें, तो प्रिंसली में जो थे वो, जैसे आप एग्जाम में कर सकते, जैसे निजाम जो हैदराबाद वाले जो निजाम थे, ठीक है, तो इस तरह के जो उस समय था, ये सारे जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स में आते थे। इसके अलावा इन्होंने जो प्रोविजन दिया था वह लेजिस्लेटिव पावर का दिया था 1935 वाला, तो लेजिस्लेटिव पावर का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी, एक्चुअली जो बनाया जाता था, या कह सकते दिस टाइप्स ऑफ अथॉरिटी विच आर गिवन टू मेक द लेजिस्लेटिव पावर बाय वी कैन से प्रोविंसेस एंड बाय प्रिंसली टू, यानी दोनों के बीच में कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव जो पावर थी इसको मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बांट दिया गया था, ठीक है।
तीसरा इसका जो प्रोविजन थी सबसे महत्वपूर्ण था, वह प्रोविजन जो था वह इमरजेंसी से था, ठीक है। यानी इमरजेंसी जो हमारी पावर्स होती है, ठीक है, या कह सकते जो गवर्नर राज्यों में जो गवर्नर थे या गवर्नर के जो ऑफिसेस था, इसको इन्होंने प्रोविजन दिया कि इमरजेंसी पावर्स और गवर्नर ऑफिसेस सभी जगह होने चाहिए, ठीक है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखें, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1946 में जब कमेटी गठित होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट जब असेंबली गठित होती है संविधान बनने के लिए, और टोटल जो अभी हम वर्तमान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो टोटल उसे बनाने में लगभग 75% जो पार्ट है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। यानी 75% का मतलब कह सकते हैं ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3/4 भाग हो गया। यानी 3/4 भाग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एग्जाम में पूछता है, तो जो 3/4 हमारा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह मुख्य रूप से यदि देखिएगा तो यह हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। यहां तक तो सबको क्लियर हुआ या नहीं? मृदुला, शिवा, सब लोग बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। यस सर, इज इट ओके? तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बस एग्जाम में आएगी टू द पॉइंट आंसर मार्क निकल जानी, ठीक है, ओके, थैंक यू। शशांक, आर यू गेटिंग और नॉट? शशांक तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर। आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 1926 हमने देखा, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या क्या प्रोविजंस दिए। अब इसके आधार पर आप देखिएगा कि जो हमारा इंडियन, इसके बाद हमारे भारत में जो हुआ वो क्या भैया हुआ, तो इसके बाद हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, 1947 में भारत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना। अब ये जो बना, तो इसमें हमने क्या देखा, यदि इसकी हम प्रोविजंस की बात करें, ठीक है, इसकी फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात करें, तो इसमें हम क्या देखा कि ये जो था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यह खासतौर पे जो कंप्लीट हमारी इंडिया थी, एक कंप्लीट इंडिया को इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और वह एक हमारा सॉवरेन इंडिया हुआ और एक यहाँ पर हमने देखा एक पाकिस्तान हुआ। यानी दो राज्यों में कह सकते हैं मुख्य रूप से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस आधार पर हम कुछ इसको भी और दूसरे तरह से फॉर्म कर सकते हैं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट लाई गई थी, ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो माउंट बेटन की जो, ठीक है, माउंट बेटन का जो प्लान आया, तो माउंट बेटन के प्लान के आधार पर इसको किया गया। माउंट बेटन हमें पता है कि गवर्नर जनरल, ठीक है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं वायसराय, दोनों इनके नाम हम दे देते हैं, ठीक है, तो गवर्नर जनरल तथा वायसराय रहे। अब बात होती है कि जो भारत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब आई, तो लेकिन इससे बात होती है कि 1947 से पहले, ठीक है, अर्लियर प्रायर टू 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, भारत में इससे पहले ही हम कह सकते हैं कि देश में संविधान के लिए डिमांड किया जा चुका था, ठीक है, और डिमांड करने वाले इंडिया में, या कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडिया थी, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम कह सकते हैं जो आइडिया था, यह आइडिया सबसे पहले 1934 में, ठीक है, एम एन रॉय जी के द्वारा दिया गया था। एम एन रॉय इज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटली क्वाइंड इन द माइंड ऑफ मिस्टर एम एन रॉय। तो कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले एम एन रॉय के दिमाग में आया, और उन्होंने 1934 में सबसे पहले इस चीज़ों को डिमांड किया। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली कि 1935 में हम क्या देखते हैं कि भारत में जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, डिमांड किया। क्या डिमांड किया, तो भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया होनी चाहिए, इन्होंने भी डिमांड किया। लेकिन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने भारत के लिए एक संविधान का डिमांड किया, तो उसके बाद हमारा देश का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से इन्होंने डिमांड किया 1934 में, इन्होंने किया 1935 में, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्रश्न बनती है कि उस समय के जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया,
तो यदि हम अंग्रेज की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इसके अवज में सबसे पहले उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को लाया, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अगस्त प्रोपोजल्स को उन्होंने लाया। और अगस्त प्रोपोजल या अगस्त आप ऑफर कह सकते हैं, दूसरा सबसे अच्छा ऑफर ही रहेगा, ठीक है। इन्होंने अगस्त ऑफर को लाया, और अगस्त ऑफर जो लाई गई भारत में वह 1940 में लाया गया, अगस्त 1940 में लाई गई। बट क्या हुआ कि इसको मुख्य रूप से रिजेक्ट कर दी गई थी, यानी भारत को उस समय कह सकता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तथा जो मुस्लिम लीग थी, ये दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ जो कह सकते जो प्रपोजल्स थे वह भारत के हित में नहीं थे, और इंडिया के हित में न होने का कंसर्न नहीं होने के कारण अंततः इसको डिनाई कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद फिर दूसरा आता है क्रिप्स मिशन प्रपोजल, या क्रिप्स मिशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ने आया, तो क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया, इन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हम, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला, तो 1939 से लेकर के 45, 1939 से लेकर के 45 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो क्रिप्स मिशन जब आया तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए हम तो संविधान बनाएंगे, लेकिन क्या होगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हम आपको बनाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाएंगे, यानी 1945 के बाद बनाएंगे। यानी इसका मोटो यही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को इस युद्ध में ढकेल देना, या कह सकते हैं इन्वॉल्व करा देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर फाइटर्स हैं या मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं वे सारे को इस युद्ध के रास्ते मरवा देना, समाप्त कर देना, और पुनः हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में और लंबे समय तक अपने अस्तित्व में रख सकें, इनकी ये मुख्य रूप से मोटो था। लेकिन क्या हुआ कि अंततः उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, ठीक है, और फ्रीडम जो हमारे देश के फाइटर्स थे, उन्होंने इनकी बातों को समझ गया, और समझने के बाद सबसे पहला इसको रिजेक्ट करने वाला था मुस्लिम लीग, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला हमने देखा कि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया, कारण क्या था कि इसमें मुस्लिम लीग इन्वॉल्व नहीं हुआ, पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो पार्टिसिपेट न होने के कारण अंततः क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल थी, जो प्रस्ताव था, यह मुख्य रूप से समाप्त हो जाती है। इसके बाद इन्होंने फिर लाया कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, उसके बाद इन्होंने लाया कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, तो हमें पता है कि 1946 में आया, 1946 में आया। यानी अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो कैबिनेट मिशन जो प्लान हुई, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या प्रपोजल्स आए, तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें सबसे पहले हमारे एग्जाम में आता है कि इसमें कौन कौन से तीन वो मेंबर थे, आपको बार बार एग्जाम में आती है। तो सबसे पहला इसमें जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे इसमें सबसे पहला मेंबर थे, जो इसको आप कह सकते हैं चेयरमैनशिप कर रहे थे या सेक्रेटरीट कर रहे थे। दूसरे जो थे वो सर स्टैफोर्ड थे, सर स्टैफोर्ड, ठीक है, क्रिप्स इसमें थे। और तीसरा जो मेंबर्स थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों मुख्य रूप से ए मेंबर्स थे, ठीक है। और तीनों मेंबर जो था ये प्रोविजन किया इंडिया के लिए कि भारत में जो संविधान बनेंगे वह संविधान का जो फॉर्म होगी वह मुख्य रूप से फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्म होगा, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 आया था यह भारत के लिए किस तरह के प्रस्ताव यानी किस तरह के प्रपोजल को दिया था, तो याद रखिएगा ये प्रपोजल जो थी यह फेडरल गवर्नमेंट का मुख्य रूप से प्रपोजल था, ठीक है, इस आधार पे हुआ। और अंततः हम देखते हैं कि जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आई, तो इस आधार पर हम देखा कि 1946 में अंततः हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा असेंबली था, इसका हमने देखा कि मुख्य रूप से निर्माण होना चालू हो गया। पहला आपको पता ही है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारा पहला निर्माण हुई थी, मतलब पहला हमारा सिटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक है। और उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा टोटल उस समय की बात करें तो मेंबर्स जो हुए वह मेंबर्स जो मुख्य रूप से हुए वह 389 हुआ, ये याद रखिए। अभी हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी साथ हैं, 1946 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अभी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं।
तो टोटल जो मेंबर्स है 389 से 389 थे, ध्यान देंगे। और 389 जो मेंबर्स टोटल थे, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक जो हुआ वो हमारा प्रोविंसेस वाला हुआ, ठीक है, एक जो हुआ हमारा प्रिंसली वाला हुआ, ठीक है। तो प्रोविंसेस और जो प्रिंसली वाला जो हमारा क्षेत्र हुआ, इस दो भागों में हम सबसे पहले बांटेंगे। तो प्रोविंसेस में जो थे इसमें 296 आया, ध्यान देंगे, ठीक है। प्रोविंसेस में क्या होते हैं, 296 आते हैं, और जो प्रिंसली था इसमें मुख्य रूप से 93 आते हैं, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनमें इनडायरेक्टली कह सकते हैं या इनडायरेक्ट कह सकते हैं, लोगों को इलेक्टेड किया जाता था। लेकिन यदि हम प्रोविंसेस की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट जो होती थी इलेक्शन यानी इलेक्टेड किया जाता था। अब क्या होता है कि जब 296 हमारा प्रोविंसेस वाले क्षेत्र में आए, तो यदि हम 296 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 296 को यदि डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे, तो इसमें क्या हुआ कि फिर दो भागों में और आगे ब्रेक डाउन होता है या कह सकते टूटता है। ये बार बार एग्जाम में आती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ, 292 एक हुआ और एक हमारा इसमें 4 हुआ। तो जो 292 हुआ ये हमारा गवर्नर स्टेट्स कहलाता था, दिस वॉज कॉल्ड गवर्नर स्टेट्स, यानी 292। 4 जो थी ये हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला था, चीफ इलेक्शन जो हमारा कमिश्नर वाला जो क्षेत्र थी, तो कमिश्नर वाले ये स्टेट्स थी। इसको याद करने के लिए कुछ नहीं, आप याद कर लीजिएगा ए बी सी और डी, यानी मुख्य रूप से हमारा ए बी सी डी यदि याद कर लिए तो आपका आंसर हो जाएगा। ए का मतलब हुआ अजमेर, बी का मतलब हुआ बलूचिस्तान, सी का मतलब हुआ कुर्ग और डी का मतलब हुआ दिल्ली। यानी मुख्य रूप से ये 4 जो थे ये हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला स्टेट्स थे। यहां तक सबको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि जब 1946 में, 1946 में, ठीक है, जब हमारे यहाँ भारत में जब सीटिंग चालू होती है, तो सीटिंग कितना पे चालू हुआ, 296 सीट पे हमारा, हमारे यहाँ सीटिंग चालू होती है। तो जब 296 सीट पे हमारा जब चालू हुआ तो क्या हुए, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, रट जाइएगा। तो इसमें जब इलेक्शन 1946 में जब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो इसमें 208 जो सीट था वह भारत का जो नेशनल इंडियन कांग्रेस जो थी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं INC को 208 सीट प्राप्त हुए। उसके बाद 73 जो था या 73 हमारा मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ, और उसके बाद 15 जो थे वो 15 मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हमारा स्टेट्स हो गए। यानी इन्होंने कहा कि ना हम भारत के साथ जाएंगे और ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इट मीन टू सी क्लियर, ओके। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रोविंसेस वाला जो क्षेत्र होंगे, फिर से मैं याद करा रहा हूँ, तो प्रोविंसेस वाले क्षेत्रों को डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता था, डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। लेकिन जो हमारा प्रिंसली वाला क्षेत्र था, ठीक है, तो प्रिंसली वाला जो क्षेत्र था यह मुख्य रूप से इनडायरेक्टली इनको इलेक्टेड किया जाता था, ठीक है। और ये जो हमारा प्रिंसली वाले जो अब स्टेट्स बच गए, इसमें मुख्य रूप से देखिएगा तो हमारे पास 93 ऐसे रह गए जो प्रिंसली वाले स्टेट्स थे, यानी राज रजवाड़ा वाला जो क्षेत्र था वह 93 हमारे पास बच गए। अब इससे वो एग्जाम में और आपको क्वेश्चंस पूछेगा बार बार कि पूरे जो हमारा संविधान सभा बैठा, ठीक है, ये पूरे संविधान सभा में कह सकते हैं कि दो आदमी को हम यहाँ पर नॉमिनेट कर रहे हैं, इससे भी आप माइंड में सेट कर जाइए। तो पूरे संविधान सभा के गठन तथा इलेक्शन में दो ही ऐसे इंसान थे, एक थे मोहम्मद जिन्ना, ध्यान दीजिएगा, एक थे मोहम्मद जिन्ना और दूसरा थे हमारे देश के बापू यानी गांधी। ये दो ऐसे इंसान रहे जिन्होंने कभी भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का ये दोनों जो थे पार्ट कभी नहीं रहे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन से दो लोग पार्ट, उसके पार्ट नहीं रहे, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना तथा महात्मा गांधी, ये दो ऐसे इंसान रहे जो देश की संविधान जब बन रही थी, जब इलेक्शन, तो इसमें कभी भी उसका कह सकते पार्ट नहीं हुए। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास को थोड़ा सा लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे फर्स्ट जो हमारा सीटिंग हुआ था, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जो सीटिंग हुई थी,
ठीक है, वह सीटिंग हमारा कब हुआ था, तो 1900 यानी कह सकते हैं डायरेक्ट इसको 9th दिसंबर 1946 यानी 1946 को पहला हमारे भारत में सीटिंग हुई थी, यानी कह सकते हैं पहला मीटिंग हुआ था किसका भैया, तो हमारे यहाँ हुई जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सबसे पहले हमारे यहाँ सीटिंग हुआ, और इसका जो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, तो इसकी जो प्रेसिडेंट बने वह सच्चिदानंद सिन्हा बने, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बने, और इससे पूछाता है कि ये क्या थे, तो इनको सबसे पहले हम याद रखें कि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, और ये ओल्डेस्ट मेंबर का जो कॉन्सेप्ट आया था ये भी याद रखें, एग्जाम में बाय द वे पूछ दे तो कहिएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो आया था फ्रांस से आया था, यानी फ्रेंच कॉन्सेप्ट के आधार पर सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वरिष्ठ मेंबर्स के रूप में इनको सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके इनके अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो ही वाज टेम्पररी इलेक्टेड, ठीक है, तो इनको जो हुआ ए टेम्पररी इलेक्शन किया गया था। आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ऑल रिकॉर्डिंग ले रहे हैं सबको, ठीक है, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से देखा जाए तो 9 दिसंबर 1946 का जो हमारा संविधान बना, ठीक है, तो इस सॉरी संविधान सभा का जो फर्स्ट गठन हुई तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमने देखा कि प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी बने और वो ओल्डेस्ट मेंबर्स थे, ओल्डेस्ट मेंबर का जो कॉन्सेप्ट आया था यह मुख्य रूप से फ्रांस से आई थी, और ही वॉज इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 9th दिसंबर 1946। लेकिन उसके बाद इनकी थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरा बैठक जो होता है वो हमारा 11 दिसंबर यानी 11th दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है, और 1946 को होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र जो हमारे प्रसाद जी थे इनको नियुक्त की जाती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आप कह सकते हैं ही वॉज द परमानेंट मेंबर, ठीक है, ये एक परमानेंट मेंबर के रूप में यहाँ पर मतलब इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, ओके, तो ओवरऑल हम यदि देखा। उसके बाद एक और हमारा पॉइंट इतिहास का आता है 13 दिसंबर का, 13 दिसंबर 1946 को जो हुआ एक हमारे भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहां पर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया, तो बाय पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। अब प्रश्न बनता है कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन थी क्या था, तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि आज का जो हमारा संविधान का जो प्रीएम्बल है ना यानी प्रस्तावना है इसी को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं, उस समय कहा जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता था, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन लाई गई इसको अंततः आप कह सकते हैं कि 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया यानी स्वीकार कर लिया गया था, ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये क्या था, तो मुख्य रूप से इसको कह सकते हैं यह एक फिलॉसफी थी, ठीक है, यह क्या था, एक फिलॉसफी था, और जिस पर हमारा फिलॉसफी ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, जिस पे हमारे देश के संविधान को बनाया गया था, तो यह मुख्य रूप से जो था हमारा एक कह सकते हैं साफ शब्द में कि यह हमारा एक फिलॉसफी थी। आप सभी को यह समझ में पूरा लेक्चर आ रहा है कि नहीं, ऑल आर गेटिंग इंटरेस्टेड और नॉट, यस सर। तो यहाँ तक हमने केवल अभी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि देश की संविधान कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, और टू द पॉइंट यदि आप याद कर लेते हैं तो दिस विल वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल यू, ओके, नाउ बिकॉज एग्जाम इन योर हैंड, सो विदाउट डिलेइंग विदाउट किलिंग योर टाइम जस्ट यू हैव टू अपीयर योरसेल्फ एंड व्हाट यू हैव टू गेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है, तो इस आधार पर हम इसको फटाफट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और हमारा होगा, जैसे हम जब बात करते हैं तो 14 अगस्त की बात करेंगे आगे, तो 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, अभी तक हमारा इंडिया अनडिवाइडेड थी, ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त के 12 बजे रात को हमारा डिवाइड होती है, और 15 अगस्त 1947 को हमने देखा कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, यानी भारत और पाकिस्तान दो कह सकते हैं सॉवरेन कंट्री बन जाते हैं। अब इससे आगे जो लेक्चर होगी हम लोग आगे लेक्चर यानी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, यानी हमें थोड़ा वेट करनी होगी अगले वीक तक, कोई दिक्कत शशांक शेखर जी बताइए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी नो सर क्लियर,
यस, तो अब समय हम लोग का पूरा होता है, बहुत जल्द कटेगा, एक आध 10 सेकंड में कट जाएंगे, इसलिए हम लोग आगे की लेक्चर जो होंगे अगले क्लास में डील करेंगे। थैंक यू फॉर, अब आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को भी बनाइए और